दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे डेस्कटॉप ऐप और एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करने वाला हूँ जो कि एकदम फ्री और एकदम लाइट वेट है उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, वो भी एकदम आसान तरीके से बिना किसी हैवी सॉफ्टवेयर के यूज़ करें और बहुत सारे ऑप्शंस के साथ। ये ऐप आपकी इस काम में मदद कर सकता है क्योंकि ये ऐप एकदम लाइट वेट है। इसके अंदर आपको कोई एड्स भी नहीं मिलेंगे। इसके अंदर स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के साथ में ऑडियो रिकॉर्ड करने के भी कई सारे ऑप्शंस हैं और साथ ही साथ इसमें आपके वेब कैमरा से आपका फोटो डिस्प्ले करने का या आपका वीडियो भी साथ ही साथ डिस्प्ले करने का भी ऑप्शन है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि आपको मदद कर सकते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए, वो भी बहुत आसान तरीके से। ये आपके सिस्टम को स्लो भी नहीं करता है, आपके सिस्टम को हैंग भी नहीं करता है और आपका काम जो है वो आसानी से कंप्लीट करता है। और ये एकदम फ्री है। इस सॉफ्टवेयर को आप इसकी वेबसाइट से एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और ये एकदम फुल वर्जन फ्री में आपके लिए अवेलेबल है आपके वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। किसी भी तरीके की एप्लीकेशन हो, मीटिंग हो, पावर पॉइंट हो, वर्ड डॉक्यूमेंट हो, इवन कोई वीडियो प्रोसेस हो रहा हो, ये किसी भी तरीके की एप्लीकेशन की रिकॉर्डिंग कर सकता है, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में और शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। ये आपको क्रोम ब्राउजर आपने ओपन कर लिया है, यहाँ पे आपको लिखना है वोको स्क्रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो लिंक आपको दिख गई है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो फर्स्ट वाली लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये डाउनलोड का पेज आपके सामने ओपन हो गया है। आपको क्या करना है, इसके यहाँ पे आपको सारे वर्जन दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पे आप इसको 32 बिट के लिए इसके पुराने वर्जन या नए वर्जन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ये एप्लीकेशन आपकी ओपन हुई। अब आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में आपको कई सारे टैब्स दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक टैब यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सबसे पहला टैब है ये आपके स्क्रीन के साइज के रिलेटेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, फुल स्क्रीन और एरिया। अगर आप फुल स्क्रीन सिलेक्ट करते हैं तो ये आपकी स्क्रीन का जो भी साइज है वो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। अगर आप एरिया सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको इस तरह से एरिया सिलेक्ट करने को बोलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये मैग्नीफाई का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ये किसी भी चीज को इस तरीके से मैग्नीफाई कर देता है। इसमें भी लेवल है 3, 2 और 1, देख सकते हैं यहाँ पे ये लेवल है। मैंने इसको 3 लेवल पे कर दिया है, इसको मैंने यहाँ से अनचेक कर दिया है। अब ये काउंटडाउन है, ये काउंटडाउन है कि जब आप स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को यहाँ से कैप्चर करने के लिए, अपने स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए, तो ये उसके पहले काउंटडाउन देता है 1, 2, 3 का, जो कि वेट टाइम कहलाता है। जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अगर कुछ विंडोज को बंद करना चाहते हैं जितनी देर में आपका वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो, तो वो काउंटडाउन उतनी देर तक आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट उसकी 30 सेकेंड है और 0 सेकेंड। 0 सेकेंड मीन्स डायरेक्टली वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा, 30 सेकेंड मीन 30 सेकेंड का वो काउंटडाउन आपको देगा, जिसके थ्रू आप जो भी काम करना चाहते हैं जितनी देर में आपका वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो वो काउंटडाउन आप यहाँ पे रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका वीडियो रिकॉर्ड होना 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के बाद स्टार्ट हो, उतनी देर में आप जो काम करना चाहते हैं वो आप कर लें, तो आपको यहाँ से काउंटडाउन को डिफाइन करना रहेगा। सेकेंड टैब में चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनल माइक और हेडसेट माइक्रोफोन। इंटरनल माइक मतलब अगर आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें इंटरनल माइक होता है, अगर आप अपना डेस्कटॉप यूज करेंगे तो उसमें आपको इंटरनल माइक लगाना पड़ेगा। हेडसेट माइक्रोफोन मीन्स जो आप हेडसेट माइक्रोफोन का यूज करेंगे, अलग से जो यूज करते हैं आप माइक्रोफोन, चाहे वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, वो हेडसेट माइक्रोफोन के कैटेगरी में आता है। तो आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले अगर ऑडियो भी रिकॉर्ड करना है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे आप फ्रेम पर सेकंड रख सकते हैं, जैसे अलग अलग वीडियो का जो फ्रेम पर सेकंड अलग अलग होता है क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट आप डिफाइन कर सकते हैं कौन सा फॉर्मेट में आपको चाहिए, MP4, MKV, AVI, MOV। वीडियो कोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्वालिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो का आप
एक्सटेंशन जो है या क्वालिटी जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है, डू नॉट रिकॉर्ड माउस कर्जर। जब आप कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो माउस का कर्जर रिकॉर्ड ना हो, वो भी आप यहाँ से अनचेक और चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ पे वीडियो कहाँ पे सेव होगा वो दिया हुआ है, कितना स्पेस ये आपकी हार्ड डिस्क का यूज करे वो यहाँ पे दिया हुआ है, शो इन सिस्टम ट्रे, जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हो तो सिस्टम ट्रे में इसका आइकन दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पे सिस्टम ट्रे पे यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा है। मिनिमाइज्ड व्हेन रिकॉर्डिंग स्टार्ट, ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाए जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। रीसेट ऑल द सेटिंग एट द नेक्स्ट स्टार्ट, ये आप टिक कर देंगे तो जैसे भी नेक्स्ट स्टार्ट होगा ये एप्लीकेशन, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपने सारे फीचर्स को रीसेट कर देगा। सेकेंड वेट बिफोर रिकॉर्डिंग, कितने सेकेंड्स का वेट करना चाहिए रिकॉर्डिंग करने से पहले। अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये टाइमर है कि कितनी देर में आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप होनी चाहिए। यहाँ पे ये टाइमर आप सेट कर सकते हैं और ये यहाँ पे आपके जो टाइमर को है यहाँ पे वो डिस्प्ले करता रहेगा, ये उसकी सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे आपको बता देगा कि कौन कौन से फॉर्मेट अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये फिर हेल्प का सेक्शन है जो आप देख सकते हैं। अब ये जो दूसरा टैब है ये वेब कैमरा का टैब है, यहाँ पे आप अपने वेब कैमरा को इनेबल कर सकते हैं आपके रिकॉर्डिंग के साथ में। ये कोने पे एक छोटी सी स्क्रीन में यहाँ पे आ जाएगा और चाहे तो आप इसकी स्क्रीन को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल का ऑप्शन है, ये आपकी इमेज को वर्टिकली फ्लिप कर देगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल ये आपकी इमेज को हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देगा, इन्वर्ट कलर को इन्वर्ट कर देगा, कलर को ग्रे कर देगा और ब्लैक एंड व्हाइट में उसको कन्वर्ट कर देगा। जब ये कैमरा ऑन रहेगा तब यहाँ पे ये रिमूव विंडो फ्रेम का ऑप्शन भी आएगा, जिससे क्या होगा इस तरह की जो विंडो फ्रेम है उसको मूव करने की, मिनिमाइज करने की, रीस्टोर करने की या कैंसिल करने की, यहाँ से आप उस फ्रेम को रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे साइज दिया हुआ है कि वो जो छोटा सा जो बॉक्स रहेगा जिसमें आपका जो वेब कैमरा के थ्रू वीडियो रहेगा वो दिखेगा, उसका आप साइज यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे तीन तरह के साइज के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ये जो सेक्शन है ये वीडियो प्ले करने का सेक्शन है, कोई भी वीडियो आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी तरह की वीडियो को प्ले करने के लिए। यहाँ पे प्ले स्टॉप सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो बेसिकली ये छोटा सा एप्लीकेशन है जो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन को साथ ही साथ आपकी किसी मीटिंग को, साथ ही साथ आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को, जो भी आप काम करते हैं सिस्टम पे उन सभी तरह के काम को रिकॉर्ड करने के लिए आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके देखिए, यूज करके देखिए, इसको यूज करते हुए आप अपना जितना काम कर सकते हैं आप उसे करके देखिए। अगर ये एप्लीकेशन आपको पसंद आए तो आप इसे दूसरे लोगों के साथ में शेयर करिए। ये ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस ट्यूटोरियल को साथ ही साथ दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आप और भी लोगों को मेरे चैनल के लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि जितने भी ट्यूटोरियल मैंने बनाया है वो उनकी भी मदद कर सकें। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे सेफ, स्टे एट होम।